नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29 और 30 जनवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आप बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन तीन दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 28 जनवरी के दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी और पुष्य नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो इस दिन प्रीति नामक योग के बाद आयुष्मान नाम का योग होगा और राहु काल का इस दिन समय रहेगा दोपहर के 2:01 से लेकर शाम के 3:23 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, 29 जनवरी की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और आश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन आयुष्मान नाम के योग के बाद सौभाग्य नाम का योग प्रारंभ होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह सौभाग्य नाम के योग आपके सभी कार्यों में गति लाने वाले हैं, कार्यों की सफलता करवाने वाले हैं। और राहु काल का दिन समय रहेगा सुबह के 11:18 से लेकर दोपहर के 12:40 तक। और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, 30 जनवरी की बात करें तो इस दिन शनिवार का दिन रहेगा, अर्थात शनिदेव का दिन रहेगा और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी, मघा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन सौभाग्य नाम के योग के बाद शोभन नाम का योग प्रारंभ होगा। यह योग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और राहु काल का इस दिन समय रहेगा सुबह के 9:55 से लेकर सुबह के 11:18 तक। यह राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ कार्यों को ना कीजिएगा और चंद्रमा इस दिन सिंह राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों की, ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, इन दिनों में आप शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज़्यादा से ज़्यादा रूमानी हो। आपको महसूस होगा कि यह समय आपका जीवन साथी इससे पहले कभी बेहतर नहीं दिख रहा था। दोस्तों के साथ आप बेहद मज़ेदार समय बिता सकेंगे और साथ ही साथ ऐसी जगहों पर जाने का भी आपको मौका मिलेगा जहाँ से आपको अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकेंगे, उनसे आपको कुछ ऑफर भी मिल सकेंगे। वहीं दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो यह समय जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर बनाने के तरीकों को आपको खोजने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखना होगा क्योंकि दोस्तों, आपका सामना किसी मतभेद या फिर विवाद से हो सकता है। दोस्तों, यश में आप कूटनीति के साथ साथ एक रचनात्मक समाधान तक पहुंच भी सकते हैं। वहीं दोस्तों, यश में निजी रिश्तों में कोई दिखावा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, लोगों को उनकी कमियों के साथ भी स्वीकार करें। दोस्तों, यश में प्रोफेशनल तौर पर कुछ परेशानी हो सकती है, परंतु निजी जीवन में आपकी जो भावनात्मकता है उनके कारण आप किसी बड़े चुनाव से भी बच सकते हैं। दोस्तों, यश में आप अपनों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और अपनी देखभाल करें। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर की बात करें तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अपना बोझ न बढ़ाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, उतना ही काम लें जितना कि आप यश में आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी करें सोच समझ कर करें, आमदनी में निरंतरता नहीं बन पाएगी। दोस्तों, यश में निवेश करने से पहले भली भांति चिंतन मंथन जरूर करें, यानी दोस्तों, यश में भली भांति सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। दोस्तों, यश में आप अधिक संचय नहीं कर पाएंगे। वही दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो यश में प्रेम प्रसंगों के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है। दोस्तों, किसी भी मामले को लेकर जिद न करें क्योंकि आपकी जिद संबंधों में दरार पैदा कर सकती है, यानी दरार का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, अपने प्रेम पात्र की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना भी आपके लिए यश में बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों, रिश्तों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने की भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य का यश में आप ध्यान रखें, मेडिटेशन और आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कोई शारीरिक व्यायाम भी करें, जैसे योग हो गया
और साथ ही दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य यानी खान पान पर भी आपको संयम रखना होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अतः दोस्तों स्वयं को चिंता मुक्त रखें और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इन दो दिनों के महत्वपूर्ण अंक और भाग्यशाली रंग के बारे में। तो दोस्तों आपका पहले दिन का भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। और दोस्तों दूसरे दिन का आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 4 और भाग्यशाली रंग रहेगा नीला। तो आइए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि इन दो दिनों को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको कौन से भाग्यशाली उपाय और टोटके को करना चाहिए। तो दोस्तों यश में आप भैरव बाबा को सरसों का तेल से गुलाब सिंदूर चढ़ाएं, इससे भैरव बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपका छोटे छोटे कष्ट इनका भी निवारण करेंगे और आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी खुशियाँ आपको देंगे। दोस्तों गणेश जी आपको सारी चिंताएँ छोड़कर अच्छे मूड में आ जाने की सलाह देते हैं। दोस्तों यश में अगर आपकी वित्त स्थिति की बात करें तो दूसरों की मदद करना अच्छा है लेकिन हमेशा अपनी जॉब पर ध्यान केंद्रित करना भी बेहतर होता है। दोस्तों यह अपने काम को पूरा करने और नई योजना के अनुसार कार्य करने का समय होगा, अन्यथा आप पिछड़ भी सकते हैं। दोस्तों गणेश जी के अनुसार आप आज आर्थिक तार्किक होंगे और अपने काम को ठीक से व्यवस्थित करेंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी प्रेम संबंध की बात करें तो यह समय लव लाइफ में आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन सही शब्दों को चुनें क्योंकि तभी आप अपने पीरी को भी प्रभावित कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका तार्किक दृष्टिकोण शुरू में आपके पीर को खुश न करे लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वहीं दोस्तों आज के दिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आप आमतौर पर संगठित होते हैं लेकिन दोस्तों अक्सर आप अपने दिमाग और बजट को बदलने में जिद करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन आप ऐसा न करें बल्कि अपने वित्त पर काम करें क्योंकि यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका होगा। दोस्तों आज के दिन विभिन्न मामलों में उलझने से आपको बचना होगा। दोस्तों आज आपके विभिन्न मामलों में उलझने की संभावना है, आज विनम्र होने की कोशिश करें क्योंकि दोस्तों तर्क की भावना है और यह आपके पेशेवर संबंधों को प्रभावित भी कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य संतोषजनक लगता है। दोस्तों आज के दिन आप अपने काम में अधिक व्यस्त भी रह सकते हैं। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें यदि रात्रि में भयानक सपने आते हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको डर लगता है तो दोस्तों सिरहाने में पीपल की जड़ या फिर उसकी टहनी का छोटा सा टुकड़ा ओम नमो भगवते वासुदाय जप करते हुए रखकर सोएं। बुरे सपनों का आज जो है आना बंद हो जाएगा और डर भी आपका दूर होगा। ध्यान रखें दोस्तों वह जड़ व फिर टहनी सूर्यास्त से पूर्व लानी चाहिए। आपके सिरहाने रखने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करके धूप दीप अवश्य दिखाएं। यह उपाय शुक्ल पक्ष के सोमवार या फिर पूर्णिमा से शुरू करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और साथ ही श्रद्धा व फिर निष्ठा का होना बहुत ही जरूरी है। इससे दोस्तों आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपको वृद्धि होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए लाभकारी और भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों और इसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।